नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभी के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों, एस्कॉर्ट का मोटर ग्रेडर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जो कि कंपनी के द्वारा हाल में अभी इसको कॉन्सेप्ट व्हीकल के रूप में यहां पर जो है शोकेस किया गया है X1 के अंदर। और ये रोड वगैरह की लेवलिंग वगैरह के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो है काफ़ी शानदार आपको टेक्नोलॉजी और काफ़ी शानदार बेहतरीन पावर देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इसके अंदर अगर हम इंजन की बात करें तो अशोक लेलैंड 130 HP इंजन का इसके अंदर जो है यूज किया गया है। 4 सिलेंडर आपको टर्बो चार्ज के साथ में आने वाला इंजन मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट होता है उससे 3.84 लीटर के आसपास का। टॉर्क मिलेगा आपको 480 NM का और 130 HP की आपको यहाँ पर जो है पावर मिल जाती है देखने के लिए। फिलहाल इसकी जो कीमतें हैं वो कंपनी के द्वारा रिलीज़ नहीं की गई हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ इस मोटर ग्रेडर के पूरे व्यू। यहाँ पर आप देखेंगे एक लेटेस्ट यहाँ पर आपको केबिन मिलता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि ड्राइवर के कंफर्ट का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की साइड में आपको यहाँ पर इंजन मिलेगा इसका देखने के लिए, जो कि अशोक लेलैंड का 130 HP इंजन का इसके अंदर जो है यूज किया गया है। एस्कॉर्ट 585 के नाम से ये जो है मॉडल कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो है शोकेस किया गया है, तो काफ़ी बेहतरीन ये है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप रोड की लेवलिंग करने के लिए आपको नीचे की साइड में ये कंपार्टमेंट है और ये पूरा का पूरा मूव हो जाता है, रोटेट होता है ये। यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर के साथ साथ ये जो है रोटेट होता है। आगे के टायर आपको यहाँ पर जो है 11-20 के दिए गए हैं इसके अंदर। और काफ़ी हेडलाइट वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि नाइट के समय में आप इनका बखूबी यूज कर सकते हैं। किसी भी अंधेरे से अंधेरे समय के अंदर भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने आप देखेंगे तो केबिन के अंदर आपको काफ़ी हाइट के ऊपर जो है ड्राइवर को काफ़ी डायरेक्शन में देखने के लिए यहाँ पर मिरर वगैरह भी दिए गए हैं, जिससे कि हमारे ड्राइवर इसको जो है आसानी से चला पाएंगे। यहाँ सामने की साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है रोड को डिगिंग करने के लिए भी ये जो हिस्सा दिया गया सामने की साइड में, काफ़ी मजबूत जो है मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। ड्राइवर को ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ वगैरह दी गई हैं आप देख सकते हैं। और केबिन का जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस वगैरह दिया गया है। सारे ही गियर वगैरह जो है वो ड्राइवर के अप्रोच में है। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह दिया गया है, जिससे कि आप सेफ्टी का यहाँ पर आपका ख्याल बना रहे, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनका यूज कर सकते हैं। और 130 HP की पावर वाला अशोक लेलैंड का इंजन जो है इस मोटर ग्रेडर के अंदर यूज किया है एस्कॉर्ट कंपनी के द्वारा, जो कि आपको एक बेहतरीन जो है पावर यहाँ पर डिलीवर करता है। तो ये एक ओवरव्यू था दोस्तों इस कॉन्सेप्ट व्हीकल का, जो कि आने वाले समय के अंदर कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।